कुमार अनुपम जी मेरे सामने बैठे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकारगण, अध्यापकगण तथा प्रिय छात्र छात्राओं, ये साहित्य अकादमी का जो आयोजन हो रहा है उससे अकादमी ने लेखक सम्मेलन नाम दिया है, राइटर्स मीट नाम से साहित्य अकादमी अपने आयोजन जगह जगह करती है। उसी श्रृंखला की एक कड़ी आज आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें मेरे लेखक बंधु शरीक हुए। इस कार्यक्रम में कोई विषय नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे साहित्य का कोई विषय नहीं होता। साहित्य शब्द का जब मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सर्जनात्मक साहित्य से, क्रिएटिव लेखन से, क्रिएटिव लेखन और विषय प्रधान लेखन। साहित्य शब्द इतना व्यापक है कि उसमें एक तो इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सारे शास्त्र विभिन्न अनुशासन भी आ जाते हैं, और थोड़ा कम करके देखें तो उसमें पूरा आलोचना जगत आ जाता है। लेकिन यहाँ मैं केवल सृजनात्मक साहित्य की बात करूंगा जिसको क्रिएटिव लिटरेचर कहा जाता है। सृजनात्मक साहित्य का जैसा कि मैंने आपको बताया कोई विषय नहीं होता। हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में निबंधों के संबंध में पढ़ते थे कि निबंध का विषय कोई नहीं होता क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है और विषय होने से ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो एक मराठी के निबंधकार थे, उनकी एक उक्ति मुझे याद है, उन्होंने लिखा है कि जैसे लकड़ी का कोई खोखला टुकड़ा जल के ऊपर तैरता रहता है लेकिन उसकी अपनी कोई गति नहीं होती, वो जल की लहरों से उसकी गति बनती बिगड़ती, और मार्टिन नाम के प्रसिद्ध फ्रेंच दार्शनिक और लेखक जिनको निबंधों का जनक कहा जाता है, तो उनका एक प्रसिद्ध वाक्य हम लोग पढ़ते थे कि आई एम द सब्जेक्ट ऑफ माय एसेज, बिकॉज आई मायसेल्फ एम द ओनली पर्सन हुम आई नो थॉरली, मैं ही अपने निबंधों का विषय। तो ये जो सब्जेक्टिविटी है ये क्रिएटिविटी का मूल है। इसीलिए जब हम क्रिएटिव राइटिंग पर विचार करते हैं तो सब्जेक्टिविटी उसके केंद्र में होती है, और इसी आप ध्यान रखेंगे, हमारे बच्चे भी ध्यान देंगे कि इसी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखकर पूरब और पश्चिम दोनों का पोएटिक्स आधारित सारा काव्य शास्त्र इसी क्रिएटिविटी को केंद्र में रख के चलता है। प्लेटो हुए थे 4 शताब्दी ईसा पूर्व, प्लेटो से लेकर आईए रिचर्ड्स और टीएस एलियट तक, और भरत मुनि ईसा के पहली शताब्दी के आसपास, भरत मुनि से लेकर रामचंद्र शुक्ल तक, ये सारा जो काव्य शास्त्र है इसी क्रिएटिव लेखन पर आधारित। अब मैं बहुत विस्तार से क्रिएटिविटी वगैरह की चर्चा नहीं करूंगा,
लेकिन कुछ बातें बहुत बहुत सहज बना के कहना चाहता हूं, जिसे हमारे बच्चे भी समझ सकें। लेखक वह है जो लिखता है, लेकिन ये लिखता है बात पूरी नहीं है। लेखक वह है जो लिख सकता है, हर आदमी लिख नहीं सकता। लोग देखते हैं, सुनते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, मगर लिख नहीं सकते। जो एक सृजनात्मक भाषा होती है वो लेखक के पास होती है, जिससे कि वह जो अनुभव करता है इंद्रियों से उसको लिख देता है। लिखने की क्षमता उसके भीतर है। इसलिए जब हम लेखक की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो भाषा का सृजनात्मक उपयोग करता है और अपने अनुभव को लिख सकता है। और लिखने के लिए ये जरूरी है कि जो आप लिखते हैं उसी वेव लेंथ पर अपने को ले जाइए। यानी आप ऐसा स्विच रेडियो पर घुमाइए जो बीबीसी पकड़ ले। इस वेव लेंथ तक पहुंचने के लिए भी लेखक को उसी वेव लेंथ की भाषा ग्रहण करनी पड़ती है, उसी भाषा में वो वहां पहुंच सकता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने सहृदय शब्द का इस्तेमाल किया है। सहृदय, सहृदय वह जो समान हृदय वाला हो, सम अनुभूति वाला हो, उसको कहा है सहृदय। सूरदास ने एक जगह लिखा है, अगर ये वेव लेंथ नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सूरदास ने लिखा है, अलिहो कैसे कहो हर के रूप रसन, अपने तन में भेद बहुत विधि, रसना न जाने नय की दसन। किन देखे से आहि वचन बिनु, उनके पास वचन नहीं है, जिनके पास वचन है उनके पास आंख नहीं है। यानी उस वेवलेंथ पर पहुंचने के लिए कैसे हम हरि का वर्णन करें, ये एक बड़ी समस्या होती है लेखक के सामने। और लेखक का दो ही काम है, देखना और कहना। कैसे देखता है, देखने के लिए ये जरूरी होता है कि किस स्थिति में वो आदमी है। वो काम में है, क्रोध में है, मद में है, लोभ में है, मोह में है, मत्सर में है, किस भावना में वो है, ये देखने के लिए जरूरी होता है। इसीलिए कालिदास ने समाधिस्थ चित्त की चर्चा की। लिखते समय कवि को समाधिस्थ चित्त उसका होना चाहिए। और इन बातों को थोड़ा बदल के टीएस एलियट ने कहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द माइंड हु सफर्स एंड द माइंड विच क्रिएट्स। दोनों में एक अंतर होता है। ये सफर करने वाला माइंड उसका होता है जो भोगता है, और क्रिएट करने वाला माइंड उसका होता है जो दृष्टा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द माइंड हु सफर्स एंड द माइंड हु सफर्स एंड द माइंड हु क्रिएट्स। तो ये देखने में और भोगने में लेखक के, मैं लेखक के ही प्रसंग में सारी बातें कर रहा हूं। कविता के संबंध में पश्चिम में कविता के बहुत बड़े विचारक हुए हैं टीएस एलियट के पहले कोलरिज। कोलरिज ने एक ऐसी बात की है जो की तो है कविता के संबंध में, मगर वो सारे सृजनात्मक लेखन पर लागू होता है। वो ये कि लेखक वह है
जो अपनी अभिव्यक्ति की समस्या को सुलझा लेता है। अभिव्यक्ति का संकट बहुत बड़ा संकट है। और मैं अपने उदाहरण नहीं देना चाहता एक आध प्रसंगों का, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे, उदाहरण की कोई जरूरत नहीं है, कि लेखक को अभिव्यक्ति का संकट कैसे झेलना पड़ता है जब एक एक शब्द पर विचार करता है, काटता है, लिखता है, काटता है, लिखता है, ये शब्द उपयुक्त नहीं है, ये शब्द उपयुक्त नहीं है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए कोलिज ने कहा है कि लेखक वह है जो अपनी अभिव्यक्ति की समस्या को सुलझा लेता है। अब ये जो अभिव्यक्ति का द्वंद्व है, इसको जो सुलझा देता है वो पूर्ण कवि होता है। वो जो लिखता है अपने अपने अनुभव को पूर्ण बनाकर। आप देखते होंगे संसद में, विधानसभा में, सभा में, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, जब न्यायाधीश को या किसी राजनेता को या किसी सामान्य वक्ता को कुछ नहीं मिलता तो कविता कोट कर देता है। ये उदाहरण क्यों कोट किए जाते हैं? क्योंकि इससे अच्छी तरह से वो अपनी बात को नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति नहीं कह सकता तो गालिब को कोट कर देता है कि दाग का दरिया है और डूब के जाना है। जब प्रेम की बात करेगा तो गालिब को कोट करेगा कि दाग का दरिया है और डूब के जाना है। ये लेखक अपनी अभिव्यक्ति को पूर्ण बनाता है, अपने अभिव्यक्ति के द्वंद को सुलझा लेता है। अब आप देखते होंगे कि आजकल दुष्यंत कुमार को पक्ष वाले भी उद्धृत करते हैं, विपक्ष वाले भी उद्धृत करते हैं। यही हालत दिनकर का है। इन कवियों ने जो चीज कही हुई उसको पूर्ण बना के प्रस्तुत किया। गालिब का एक शेर है, देखना तकरीर की लज्जत कि उसने जो कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। आप जब कविता पढ़ते हैं, जब कोई वक्ता बोल रहा हो या कोई कवि पढ़ रहा हो और आप समझे कि अरे ये तो मेरे दिल में है, मेरे दिल की बात इसने कही, तो आप समझिए कि ये उसकी सफलता है। देखना तकरीर की लज्जत से उसने जो कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। और एक चीज और मैं कहूंगा, जैसे ये मैंने कहा कि जो लिख सकता है वो लेखक है, उसी प्रकार एक दूसरी बात यह है कि लेखन जिसकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो लेखक। एक लेखक हर काम करता है लेकिन उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो लेखन होती है। उसके जीवन को संतोष, उसकी आत्मा को संतोष लेखन से मिलता है। तो ये जो प्रायोरिटी है, जिसकी प्रायोरिटी है लेखन वही लेखक है, बाकी जिसकी जो प्रायोरिटी होती है वो होता है। कुछ अध्यापक कहा नहीं जाता ये अध्यापक है, तो अध्यापक उनकी प्रायोरिटी अध्यापन है, लेखन नहीं है। क्योंकि लेखक जो होता है वो टीएसलेट ने एक एक जगह लिखा है कि जो ये जो लेखन होता है वो सीरे से चीनी बनाने जैसा डायरेक्ट एक्शन नहीं होता, ये फूल से मधुमक्खी जैसे रस बनाती है, मधु बनाती है, वो एक्शन होता है। लेखक हर जगह जहां रहेगा अपने लिखने की सामग्री उसका। एक और उदाहरण आपको दे दें, नजीर अकबर आबादी का। नजीर अकबर आबादी का एक शेर है, मोहब्बत है नजीर दहर में,
नापैद हो जाता है। सर माना टाइम काल में, नापैद माना लुप्त हो जाता है। मोहब्बत है नजीब कहर में नापैद हो जाता है। मोहब्बत की एक किस्मत से ही पैदा हो गए माना वो लुप्त होने से बच गया। ये कहने का सिर्फ एक ढंग है जिसमें किस तरह से पोएट करता है। बच्चों को कुछ देखिए एक बात और करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वो ये है कि प्रयोजन पर बहुत बहस हुई है और आज भी चल रही है और भारत के सारे आचार्यों ने प्रयोजन को महत्व दिया है कि साहित्य का, कला का, लेखन का एक प्रयोजन होता है। अब इस प्रयोजन को लेके जो मार्क्सवादी विचारक हैं उन्होंने विचारधारा की बात की और फिर विचार की बात की, तो एक बात आप जान लीजिए कि लेखन का मैंने इस पर बहुत लंबे लंबे लेख लिखे हैं जो बड़े विवादास्पद भी हुए हैं और एक मार्क्सवाद के खिलाफ मैंने लेख लिखा था जिसे पीसी ज्योति ने मंगा के पढ़ा और पांचजन्य ने जिस पर एडिटोरियल लिखा वो अंक मेरे पास है। दो पेज का एडिटोरियल पांचजन्य ने लिखा है मेरे लेख पर। तो विचारधारा के बारे में मुझे सिर्फ ज्यादा बातें नहीं करनी है क्योंकि विचारधारा के बारे में विश्व प्रसिद्ध बहस हुई है। लुकास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हंगेरियन दार्शनिक थे, मार्क्सवादी थे। हंगरी पर जब सोवियत क्रांति हुई थी हंगरी में तो वहां वो मिनिस्टर भी बनाए गए थे, बाद में गिरफ्तार भी हुए थे और उन्होंने बहुत आइडियोलॉजिकल किताबें लिखी। उनसे अर्नस्ट ग्लोस नाम के जर्मन दार्शनिक थे, उनकी बहस हुई और ब्रेक्ट का नाम जरूर सुना होगा नाटककारों ने। ब्रेक्ट नाम के नाटककार थे जर्मन, उनसे उनकी बहस हुई। कितनी लंबी बहस हुई है ग्लोस की लुकाच से रिटन लिखित बहस और ब्रेक्ट का लुकाच से कि वो सब छपा हुआ है और उसके विस्तार में हमको नहीं जाना है। लुकाच का पक्ष दूसरा था, ब्रेक्ट का और ग्लोस का पक्ष दूसरा। मैं ब्रेक्ट और ग्लोस के पक्ष का समर्थन करता हूँ। विचारधारा बहुत कट्टर और कड़ी साहित्य में नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे आप अपने लेखन को बंद कर देते हैं, वो खुलता नहीं रखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और उसका राजनीतिक उपयोग किया महात्मा गांधी ने, राम राज रावण राज। गांधी जी ने क्या किया राम, मैंने अभी पिछले महीने साहित्य अकादमी का एक आयोजन था जिसमें मुझे उद्घाटन भाषण देना था महाकाव्यों पर। मैंने वहां उदाहरण देके बताया था कि किस प्रकार गांधी जी ने रामचरितमानस का राजनीतिक उपयोग किया। वो खुला हुआ मंच है, बाबा रामचंद्र दास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राम कथा का पाठ करते थे रामचरितमानस का और उनके खिलाफ अंग्रेजों ने कार्रवाई की कि ये विद्रोह कर रहे हैं, वो बंद किए गए। वो इतने बड़े आदमी थे कि उनसे मिलने के लिए महात्मा गांधी गए, उनको बरेली जेल में बंद कर दिया अंग्रेजों ने और जिस समय वो बंद किए गए 1,00,000 लोगों ने बरेली जेल को फेंक दिया। आजादी की लड़ाई 1920-22 की बात और बाबा रामचंद्र दास को थाने के भीतर जो एक बड़ा भारी पेड़ था उस पेड़ पर चढ़ा कर दिखाया गया कि ये जीवित है, मरे नहीं है, तब जाके जनता जिस पर थी। तो ये होता है लेखन का। तुलसीदास ने उसको भक्ति के लिए लिखा लेकिन उसका उपयोग चाहे जैसे कर लेंगे। पोस्टमॉडर्निज्म इसी पर आधारित, जिसको आप उत्तर आधुनिकता कहते हैं
टेक्स्ट पर भरोसा करता है, लेखक के इंटेंशन पर नहीं। तो ये जो है उत्तर आधुनिकता का जो जुमला है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेखन में विचार, लेखन को विचारधारा में कैद नहीं करना चाहिए, ओपन शब्द होना चाहिए, पढ़ने वाले अपने ढंग से उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ एक बात है कि मंगल, मानव मंगल उसका उद्देश्य हो, ऐसा ना हो कि वो मनुष्य को नेगेटिव रास्ते पर ले जाए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये फ्रेंच और तमाम रिसर्च, फ्रेजर नाम का है जो रिसर्च करने वाला था, इन सबों के उदाहरण देके बताया है कि 1200 प्लेट्स का अध्ययन करने के बाद फ्रेजर वगैरह ने ये साबित किया था कि मनुष्य के कर्मों के मूल में मंगल की भावना, हिरण बनाया गया। इसका मतलब ये है कि हम हिरण बना रहे हैं तो मेरा हो जाएगा, हम एक हिरण बनाएंगे तो जंगल में 2 हिरण पैदा हो जाएंगे। ये ही उन आदि चित्रकारों के मन में यह भाव, ये जो मंगल की भावना है वो बहुत ऐसे है कि बहुत मुझे करने वालों को के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जुमला सत्ता की मित्रों,